स्वागत है आप सभी का आज के इस कुछ कॉम्पिटिशन में। तो यहाँ पर राउंड वन का पार्ट फोर जो है चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इस राउंड को और यहाँ पर उदय क्लासेस के बच्चे लगातार अपना प्रदर्शन दे रहे हैं अच्छा, और लगातार इसी तरह से मेहनत करते रहना है आगे बढ़ने के लिए, लगातार प्रयास करते रहें। नेक्स्ट सवाल गौतम जी से है यहाँ पे, तो बताएंगे यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य देश हैं जिन्हें बिट्टो का अधिकार है। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी, म्यांमार में किस तरह की सरकार थी, सैनिक शासन। यूएनए का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, यूएनए का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ बताएंगे सर, हमको इसका आंसर नहीं पता। कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, ठीक है। आप आगे और बढ़ेंगे, ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले राउंड में मिलेंगे, ठीक है।